Good morning, student. Today we have to see pupil, how it works. Okay, so this is my Kutty Science Academy channel on YouTube. Please like it, because afterwards you will be benefited very much. Please like it and share it to your friends, so that they will be also able to learn science. Okay, so what you have to see, we have to see the pupil. See here, so iris is muscular diaphragm. Hamare body mein muscles hai to movement hai, muscles nahi hai to movement nahi rehti. For example, hamare skin mein agar hum kuch patthar vatthar maarte to hamare skin aise hilti nahi hai, kyunki hamare skin ke andar muscles nahi hai. Lekin aap cow ke स्किन के ऊपर छोटा सा पत्थर मारिए तो वो ऐसा ऐसा स्किन हिला सकता है, क्योंकि स्किन के अंदर उनके मसल्स है. तो जहाँ भी मसल है हमारे बॉडी में क्या होता है बोलो, हम क्या कर सकते हैं बोलो, वी कैन मूव द थिंग, मूव द ऑर्गन. ठीक है, यहाँ पे मस्कुलर डायफ्राम है तो इट कैन डू मूवमेंट, वो मूवमेंट कर सकता है. ठीक है, तो जब भी हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, ठीक है, जब भी हम ब्राइट लाइट में जाते हैं, जैसे कोई ब्राइट क्लास में गए, बहुत सारे लाइट लगे उस क्लास में, आप बैठे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है. ब्राइट लाइट ज़्यादा होने से क्या होता है, ज़्यादा लाइट अपने आँखों में एंटर करता है, उतना लाइट हमारे रेटिना के लिए ठीक नहीं होता है. तो हमारा ब्रेन क्या करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से इसको मैसेज सेंड करता है, किसको, आयरिस को. तो वो मसल क्या होते बोलो, ऐसे क्या करते बोलो, इस मसल, ये मसल क्या करते हैं, या इस प्यूपिल को छोटा साइज का बना देते हैं, ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं मसल्स और इसको छोटे साइज का बना देते हैं. छोटे साइज का बनाने से क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर इनटू द आई में, लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, है ना, एंड वी विल बी एबल टू सी क्लियरली कंफर्टेबली इन ब्राइट लाइट आल्सो. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन ब्राइट लाइट, द साइज ऑफ द पीपल इज लेसेंस, द साइज ऑफ द पीपल इज मेड स्मॉलर बाय एक्सपांडिंग द मसल्स प्रेजेंट इन द आयरिस. ओके, सो इट रिक्वायर्स पावर. तो जब भी हम ब्राइट लाइट में देखते हैं तो हमें थोड़ा सा आंखों पे स्ट्रेन आ जाता है. क्यों स्ट्रेन आ जाता है, क्योंकि आयरिस मसल को एक्सपांड कर उस प्यूपिल का साइज छोटा कर देना है, तब जाके आपको ब्राइट लाइट में कंफर्टेबली देख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा आंखों पे स्ट्रेन आता है. लेकिन हम उस ब्राइट लाइट में अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, बराबर है. व्हाट हैपेंस इन डिम लाइट, अभी ब्राइट क्लास में हम बैठे हो, बहुत सारे लाइट लगे हुए क्लास में बैठे हो, है ना, और एकदम से लाइट चली गई, तो क्या होता है, थोड़ी देर आपको कुछ दिखाई नहीं देता आजू बाजू का, वी आर अनेबल टू सी सराउंडिंग. व्हाई, क्यों अनेबल होंगे बोलो, क्योंकि यहाँ पे जो प्यूपिल छोटे साइज का था, आयरिस मसल एक्सपांड करके प्यूपिल की साइज छोटी बनवा दी थी, अभी उसके वजह से अंदर जाने वाला लाइट कम जा रहा था. क्या ब्राइट आफ्टरनून में क्लास के बाहर आप खेल रहे हो, एकदम से क्लास के अंदर आ गए, तो क्या होता है बोलो, क्लास के अंदर आपको कुछ देर तक अच्छे से नहीं दिखाई देता. क्यों बोलो, क्योंकि ये प्यूपिल छोटा साइज का होते रहता है. जब आप क्लास के अंदर आएंगे, बाहर के धूप से क्लास के अंदर आएंगे, तो क्या होगा, स्लोली दिस आयरिस मसल विल गेट रिलैक्स. आयरिस मसल रिलैक्स होने से आयरिस मसल की साइज छोटी हो जाएगी और प्यूपिल की साइज बड़ी हो जाएगी, और प्यूपिल साइज बड़ी होने से क्या होगा, इट विल अलाउ मोर लाइट टू एंटर इन टू द आई. It will allow more light in, to enter in the eye, so that we will be also able to see clearly in the dim light also. समझे क्या? तो क्या हुआ, ब्राइट लाइट में pupil की साइज छोटी कर दी, किसने, आयरिस ने. तो डिम लाइट में क्या हुआ, pupil की साइज बड़ी कर दी, किसने, आयरिस मसल्स ने. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है बोलो, we can see clearly in bright light and clearly in dim light also. ब्राइट लाइट डिम लाइट दोनों में हम अच्छे से देख सकते हैं, और इस पावर ऑफ आवर आई को क्या बोलेंगे हम, पावर ऑफ एडेप्टेशन. मीन्स वी आर एडेप्टेड टू ब्राइट लाइट इमेज ऑल्सो, वी आर एडेप्टेड टू डिम लाइट इमेज ऑल्सो. नथिंग टू बी थॉट अबाउट दैट, इट विल बी ऑटोमेटिकली एडजस्टेड इन साइड अवर आई. दिस पावर ऑफ आवर आई इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एडेप्टेशन, है ना. द स्मॉल साइज होल प्रेजेंट, small size aperture present in the iris, that we call as pupil. ये छोटा साइज का जो अपर्चर है आपने आई के अंदर, उसको क्या नाम देंगे, pupil नाम देंगे. ठीक है,
And all of you know iris color in most of the people, it is black color because black color has ability to stop more amount of light. That's why nature has given black color. Okay, some people may have blue color also, right? Because of genetic changes, right? Otherwise black color is the natural color. So this way you have to study here. What is pupil then? The variable aperture whose size can be varied with the help of iris is called as pupil. आयरिस मसल के हेल्प से ये जो साइज कम ज़्यादा कर सकते उस इसको क्या नाम दिया आपने प्यूपिल, उस अपर्चर को क्या नाम दिया प्यूपिल। आयरिस के अंदर जो होल है अपर्चर है जिसकी साइज हम कम ज़्यादा कर सकते हैं उस अपर्चर को क्या नाम दिया आपने प्यूपिल। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन ब्राइट लाइट, आयरिस गेट iris contract the pupil. Iris क्या करता है, pupil को छोटा कर देता है. Iris contract the pupil so that light entering the eye will be less. What happens in dim light? Iris will expand the pupil. Iris क्या करेगा, pupil को expand करेगा, बड़ा करेगा, size में बड़ा करेगा. Iris will expand the pupil to allow more light to enter into the eye. So this ability to manage the intensity of light entering the eye so that we can see clearly in bright light as well as dim light. This ability we call it as power of adaptation. So our eyes are adapted for bright light as well as dim light also. Okay.